बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने मास्टर डिटेल में सेव वाला काम किया था कि हमारी जो मास्टर रिकॉर्ड के लिए जो हमारे पास हेडर और फुटर है उसका रिकॉर्ड मास्टर टेबल में चला जाए और जो हमारी डिटेल है ग्रिड है उसका रिकॉर्ड डिटेल में चला जाए। ठीक है, सक्सेसफुली हमने ये काम कर लिया था सिवाय एक चीज़ के कि अगर मास्टर में एंट्री चली जाए और डिटेल में किसी वजह से ना जा सके तो मास्टर की एंट्री को कमिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मास्टर एंट्री जो है वो कमिट ना हो ताकि हमारा जो रिकॉर्ड है उसमें डिफरेंस ना आए। जिस हमने लास्ट ट्राई की थी कि हमने एक डेटा इंसर्ट किया था परचेज मास्टर में जो हमारी आईडी नंबर 3 थी ये हमें डिटेल में नहीं मिली थी क्योंकि हमने क्या कर दिया था, रिकॉर्ड उसका सर्विस को हमने बंद कर दिया था मास्टर की इंसर्शन के बाद। ठीक हो गया, ओके। अब हम आते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन का एक स्कोप क्रिएट हो और उस स्कोप के मुताबिक हमारे जो दोनों टेबल हैं ये टेबल और ये टेबल तब कम्प्लीटली अफेक्ट हों जब वो स्कोप कम्प्लीट हो जाए। ठीक है, अगर मास्टर में एंट्री चली गई है और किसी वजह से डिटेल में नहीं जा सकी तो वो क्या करे, मास्टर वाली को भी रिवर्ट बैक कर दे, कमिट ना होने दे। ठीक है, तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आऊँगा जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर राइट क्लिक ऐड रेफरेंसेस, एक रेफरेंस ऐड करूँगा .NET के कंपोनेंट्स में से system.transaction को मैंने ऐड किया। ठीक है, तो हमारे पास एक रेफरेंस आ गया सिस्टम डॉट ट्रांजेक्शन का। अब यहाँ पे जो हमारी मास्टर की एंट्री है उससे पहले, क्योंकि हमारे जो दो टेबल अफेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे वो अफेक्ट हो रहे हैं उससे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। किस चीज़ का, डिम स्कोप एज अ न्यू, क्या चीज़, ट्रांजेक्शन स्कोप। ठीक है, और इसको हम दे देंगे जो ट्रांजेक्शन है वो कौन सी यूज़ करनी है, उसका जो स्कोप ऑप्शन है वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ट्रांजेक्शन डॉट ट्रांजेक्शन स्कोप ऑप्शन रिक्वायर्स न्यू। ठीक है, सिंपल सा हमने काम करना है, एक वेरिएबल लेना है ट्रांजेक्शन स्कोप का, मैं इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा स्कोप एज अ न्यू ट्रांजैक्शन स्कोप और उसको हमने इनिशियलाइज किया न्यू से, तो उसमें हमें रिक्वायर्ड था तो मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर ली ट्रांजैक्शन डॉट ट्रांजैक्शन स्कोप ऑप्शन डॉट रिक्वायर्स न्यू। ठीक हो गया, क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद मास्टर से पहले मैंने से कहा यूजिंग स्कोप और जो हमारा मास्टर और डिटेल का जो पोर्शन था जो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है उसको इसके बीच में ले आया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक हो गया, हमने कहा एक स्कोप क्रिएट करो और इस स्कोप को इस्तेमाल करते हुए ये वाला एक्शन परफॉर्म हो जाए। ठीक हो गया, और जब ये एक्शन सक्सेसफुली हो जाए तो मैं यहाँ पे इसे लिखूँ स्कोप डॉट कंप्लीट, अदरवाइज
कुछ भी ना लिखो, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारे मास्टर एंट्री है उस पर एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, उसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी सप्लायर सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेफरेंस, ठीक है, टेस्टिंग विद स्कोप, आइटम डाल देते हैं। ठीक हो गया जी, और हमने अदर डिस्काउंट डाल दिया 100 एंड अदर चार्जेस 250, और मैं इसे कहता हूँ ये सेव हो जाए। हम आए मास्टर में, मास्टर एंट्री को मैंने कंप्लीट किया, ठीक है, तो वहाँ पर मास्टर आईडी आ गई 12, इसका मतलब मास्टर आईडी इफेक्ट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस में आते हैं, इसको एग्जीक्यूट किया यहाँ पे, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ सर्विस को, क्योंकि मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो वो इसको रीड नहीं करेगा रिकॉर्ड को, क्योंकि अभी हमारी ट्रांजैक्शन का स्कोप जो है वो स्टार्टेड है। मैं सर्विस को क्या करता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। सीक्वल की सर्विस को हम रोक देंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो डिटेल एंट्रीज हैं वो डेटाबेस में ना आ सके, ठीक हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो इसने एक्सेप्शन दे दी। एक्सेप्शन क्या दे दी, कि ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ओके हो गया जी। अब हम आते हैं अपनी सर्विस को दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, चेक करने के लिए हमारा जो रिकॉर्ड है वो मास्टर टेबल में आया कि नहीं आया, ठीक हो गया। सर्विस स्टार्ट होगी, रिफ्रेश, यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? कि सिंपल आपने क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है ना स्कोप का, और उस वेरिएबल के लिए आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी सिस्टम डॉट ट्रांजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, जो हमारा मास्टर टेबल है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारे पास जो 12 नंबर जनरेट हुआ था वो नहीं आया, ठीक है, डिटेल उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि डिटेल जो था वो ऑलरेडी इफेक्ट ही नहीं हुआ। ओके, अब हम आते हैं दोबारा इसको सेव करते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। मास्टर आईडी आई हमारे पास क्या 13, मैं से कहा इस ओके जाने दें, तो बगैर एरर के सेव होगा, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। और हम आते हैं जी मास्टर टेबल में, एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास 13 आ गई, ठीक है, और सेम इसी तरह से एग्जीक्यूट किया तो 13 की जो हमारे पास 3 वैल्यूज अभी, ठीक है। आपका जो बाकी ट्रांजैक्शन का जो स्कोप है, जो हमने डेटा एक्सेस लेयर में और बिजनेस लेयर में हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो हमने इंसर्ट परचेज के अंदर हमने किया, यहाँ पे ये उसी तरह स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और उसी तरह से कमिट हो रही है, ये स्टार्ट भी हुई, कमिट भी हुई, ये आपका एज इट इज रहेगा। अगर आप इस कोड को अकेले में यूज करते हैं स्टेबल के इफेक्ट करने के लिए, तो ये आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन जहां पे आपके मल्टीपल टेबल हो और आपस में कोरिलेट कर रहे हो, कि एक टेबल में इंसर्शन हो वो सक्सेसफुली हो जाए, दूसरे में भी सक्सेसफुली हो जाए, तो देन वो कमिट हो,
ठीक है, अगर किसी एक टेबल में भी या किसी भी जगह पे कोई एरर आ जाए तो वो कमिट ना हो, तो उसके लिए आप एक स्कोप डिफाइन करेंगे, ठीक है, और इस स्कोप के लिए आप सिस्टम डॉट ट्रांजेक्शन को इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है, रेफरेंस में ऐड करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, और आपने सिंपल एक वेरिएबल लेना है स्कोप एज अ न्यू ट्रांजेक्शन स्कोप, ट्रांजेक्शन डॉट ट्रांजेक्शन स्कोप ऑप्शन डॉट रिक्वायर्स न्यू, और आपने एक कीवर्ड यूज़ करना है यूजिंग स्कोप, के इस स्कोप को यूज़ करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक का काम होगा, ठीक है। जब ये काम हो जाए तो देन स्कोप कंप्लीट हो, और स्कोप कंप्लीट हो तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्दर काम कर लेते हैं। जब स्कोप कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाए, मैसेज बॉक्स पीओ सक्सेसफुल, ठीक हो गया, सिंपल, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू। और सेव होने के बाद आप फिर न्यू वाला काम करने के तमाम ब्लैंक हो जाएं, ब्ला 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 ब्ला, जो भी आप करना चाह रहे हैं, यहाँ तक कोई इशू, बिल्कुल सिंपल है। ओके, लेक्चर को सेव कर दूँ इसको मैं यहाँ पे। सर इसमें एक कॉस्ट नहीं होगी, मतलब बच्चे मैनेजर है क्लास में, दूसरी क्लास में रिपोर्ट में आते हैं पेमेंट मैनेजर की, हाँ ठीक है, दोनों के अंदर मतलब फंक्शन होंगे जो डेटाबेस से ओपन कर रहे होंगे कनेक्शन, कोई इशू नहीं है, ओपन भी करें क्लोज भी करें, हाँ कोई इशू नहीं उस चीज़ के, देखें हमें कोई इशू नहीं है उस चीज़ का, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि यूज़र ने यहाँ पे कुछ पेमेंट रिसीव की, किसके अगेंस्ट रिसीव की, पीओ नंबर कोई भी था, फॉर एग्जांपल पीओ नंबर 15 या पीओ नंबर 1011 के अगेंस्ट उसने 2000 अमाउंट जो है वो रिसीव की, अब आप सेव करने लगे आपका मास्टर में एरर आ गया, पेमेंट जाके सेव होगी, पेमेंट जिस पीओ के अगेंस्ट सेव हुई वो डेटाबेस में लाइज ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए फिर हमने उस लेवल का एक स्कोप डिफाइन करना होता है कि यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ तक जाए, ठीक है, क्योंकि आपने तीन मुख्तलिफ टेबल्स में, चार मुख्तलिफ टेबल्स में, पांच मुख्तलिफ टेबल्स में इंटीग्रेशन करनी है, डेटा लेके आना है और डेटा उनको पास ऑन करना है, और वो सारा डेटा एक दूसरे से कोरिलेट है कि पेमेंट आपने रिसीव की किसके अगेंस्ट रिसीव की, जिस पीओ के अगेंस्ट रिसीव की वो होना लाजमी है। अब पीओ में मास्टर एंट्री है तो उसकी डिटेल एंट्री नहीं होगी, तो उसकी आपको समझ नहीं आए, पता नहीं चलेगा, क्लास चेक नहीं हो सकेगा, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम ये स्कोप डिफाइन करते हैं, ठीक है। बाकी जो कास्ट है वो कनेक्शन पूलिंग जो आप बात कर रहे हैं कि कनेक्शन हम मल्टी टाइम्स ओपन करेंगे मल्टी टाइम्स क्लोज करेंगे, तो उसमें हम कनेक्शन पूलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो करंट पूल में से देख लें कि अगर यही एग्जिस्टिंग डेटाबेस जो आप कॉल कर रहे हैं उसका कनेक्शन ओपन है तो उसको वो एग्जीक्यूट कर लें, ठीक है, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह उसमें कर लेंगे पूलिंग वाला कॉन्सेप्ट जो, उसमें आपके कनेक्शन ओपन और क्लोज की जो कॉस्ट है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर आप जितने भी टेबल यूज़ करें आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं होती, यहाँ तक क्लियर है एक चीज़। ओके, एक चीज़ और, मैं जब परचेज को ओपन करता हूँ तो आपने एक चीज़ देखी होगी यहाँ पे, ये सर्च वाला एक मेन्यू मर्ज हो जाता है इसके अंदर, जो मेन्यू हमने यहाँ पे लगाया हुआ है जो हिडन मेन्यू है जो F1 से काम कर रहा है आइटम सर्च के ऊपर, ठीक है, इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए सिंपल सा तरीकाकार है, जो आपकी मेन्यू स्ट्रिप है चाइल्ड फॉर्म के ऊपर, उस मेन्यू स्ट्रिप में आए, उसकी प्रॉपर्टी में आके उसकी एक प्रॉपर्टी है अलाउ मर्ज, इसको आप फॉल्स कर दें तो ये आपके जो एग्जिस्टिंग मेन्यूज हैं उनमें मर्ज नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक ये लेक्चर समझ में आ गया, इसमें कोई इशू, सेव कर दूँ उसके यहाँ पर। अब इसमें फर्दर आपका एक काम रह जाएगा, पीओ सेव हो, सेव होने के बाद उसका आप प्रिंट ले सकते हैं, उसको आप क्वेश्चन रिपोर्ट से व्यू कर सकते हैं, ठीक है।